So the first thing that we'll be studying in triangles inequalities. Triangles inequalities. It's a pehli cheez. If two sides of the triangle are unequal, if two sides of the triangle are unequal, अगर दो triangle की जो sides है वो unequal है, the longer side has greater angle opposite to it, has greater angle opposite to it, has a greater angle opposite to it. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं. ठीक है ना, तो क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, सबसे पहली इनइक्वालिटी जो हम पढ़ रहे हैं, एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये हमारा ट्राइंगल, और दो साइड जो है वो अनइक्वल लेंथ की है, मतलब ए बी और ए सी को अगर हम देखें तो दोनों बराबर नहीं है आपके पास. द लॉन्गर साइड हैज अ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, सो इफ आई सी ए सी इज ग्रेटर इन लेंथ, सो आई कैन से दैट गिवन टू मी इज ए सी विच इज ग्रेटर देन ए बी. क्या करना है और मुझे प्रूफ क्या करना है, ए सी के सामने वाली जो एंगल है वो एंगल बी है, और ए बी के सामने वाली जो एंगल है वो एंगल सी है, तो आई हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी. ये हमारा टास्क है. समझ आ रहा है सबको क्या बताना चाह रहा हूँ? यस, इज इट क्लियर? फर्स्ट विल रीड द स्टेटमेंट अगेन. यू हैव टू प्रूव दैट ऑफ द टू नॉन इक्वल साइड्स the angle opposite to the larger side will be larger. ठीक है ना, तो हम क्या करने वाले, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, अगर AC बड़ा है तो हम एक काम करते हैं, AC को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. कैसे छोटा करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं AC के ऊपर. तो लेट्स से AC के ऊपर एक मैंने पॉइंट D ले लिया. अब ये D पॉइंट ऐसा लिया गया है जिससे अगर मैं B और D को ज्वाइन करता हूँ तो होता क्या है, AD जो लेंथ है वो अब AB के बराबर है. Slight construction first. तो construction लिखते हैं. So take a point D on AC such that AB equals to AD. आपको एक D point लेना है AC के ऊपर such that AB AD के बराबर है. अब अगर AB AD के बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, If two sides are equal, can I say that angle opposite to equal sides are equal? यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, है ना? इज इट क्लियर? ठीक है, इस चीज को नोट कर लेते हैं हम. लेट्स राइट, इफ ए बी इक्वल्स टू ए डी इज देयर, देन आई कैन से दैट एंगल ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी बी, इसके बराबर है. ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं ये x है, ये भी मेरे लिए x हो जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब मैं और क्या बोल सकता हूँ, व्हाट कैन आई से, मैं ये चीज बोल सकता हूँ, देखो मान लो ये एंगल सी है आपके लिए, ठीक है ना, और ये वाला एंगल जो है वो एंगल वाई है, तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है ना, व्हाट यू कैन से इज इन ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी के अंदर, ट्रायंगल डीबीसी आई कैन से दैट एंगल वाई प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एक्स, कैन आई से दैट. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी जो है वो सी से बड़ा है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई का जो सम है वो सी से बड़ा है, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन सी, दिस इज व्हाट योर टारगेट इज. अब हमने क्या बोला पहले, तो हमने बोला कि वाई और एंगल सी को अगर मिलाएंगे तब जाके वो एक्स बनेगा. ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड एक एंगल वाई एड कर देता हूँ, सो लेट्स एड एंगल वाई ऑन बोथ साइड्स. तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल ऑफ वाई इज इक्वल टू
एंगल ऑफ सी प्लस टू एंगल वाई. यस, तो भाई एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या है, एंगल बी के बराबर है. तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल बी जो है वो एंगल सी प्लस टू एंगल वाई है. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एंगल बी माइनस एंगल सी क्या है, टू एंगल वाई है. यस, सो व्हाट इज द कंक्लूजन ड्रॉन, बी माइनस सी इज टू एंगल वाई. एंगल बी माइनस एंगल सी इज टू टाइम्स एंगल वाई. मतलब बी में से अगर सी को सब्ट्रैक्ट कर ले तो टू टाइम्स एंगल वाई मिलेगा आपको. तो कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है. कैन आई से दैट दिस क्वांटिटी वुड बी समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव एंगल ही होगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी और सी का जो डिफरेंस है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल बी जो है वो एंगल सी से बढ़ा जाएगा. इज इट क्लियर, क्या सबको समझ आ गया यहाँ से. बी माइनस सी किया तो कुछ एंगल आया, मतलब वो पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो बोल सकते बी सी से बड़ा होगा तभी सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ आएगा. यस सलमान सर, एंगल सी प्लस टू एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी, वहां से समझा सकते. ये देखो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ. हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है ना. देखो एक एक स्टेप समझो पहले आप. अगर आपने एक पॉइंट ले लिया सच दैट दो साइड्स बराबर हो गए तो उनके सामने के एंगल्स बराबर हो गए और उनको हमने क्या कर दिया, एक्स एक्स मान लिया, ठीक है ना. उनको हमने क्या कर दिया, उनको बोल दिया कि भाई आप एंगल एक्स के बराबर. फिर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो पता क्या चला कि भाई ये एक एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके बराबर होगा, वाई प्लस सी के बराबर. फिर मुझे एंगल बी के कंपैरिजन में कुछ बताना था तो मैंने क्या कर दिया, एंगल वाई ऐड कर दिया दोनों साइड्स. आई एडेड एंगल वाई ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई. अब एक्स प्लस वाई मिलके ही तो एंगल बी है पूरा, तो ये एंगल बी पूरा बन गया. और लेफ्ट हैंड साइड अगर एंगल वाई ऐड किया तो वो सी प्लस टू एंगल वाई हो गया, क्योंकि एक एंगल वाई ऑलरेडी था उसके पास. फिर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, इसको और इसको कंपेयर किया, तो पता चला बी क्या है, सी प्लस टू वाई है. फिर सी को मैं वो साइड ले गया तो बी माइनस सी आ गया टू एंगल वाई के बराबर. अब टू एंगल वाई तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, वही बोला हमने, तो बी माइनस सी कुछ पॉजिटिव होगा, इसका मतलब बी सी से बड़ा होगा. इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट थियोरम पे चलते हैं. चले सब बच्चों ने लिख लिया इसको सर. यस 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 आर्यन. सर ऐसा पूछ लिया कि एंगल वाइज जीरो क्यों नहीं हो सकता, तो एंगल वाइज जीरो हो जाएगा तो डी पॉइंट सी से कोइंसाइड कर जाएगा, उस केसेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना. अरे हाँ सर, ठीक है ना, ठीक है. मुस्तफा सब पता चल रहा है? Yes sir. ठीक है, चलिए let's come to next now. दे दूसरा वाला ले लेते हैं. Let's take second. वो second क्या इसका converse है? ठीक है ना, converse है. Converse क्या बोलता है? If two angles of a triangle are unequal. The greater angle has longer side opposite to it. ठीक है, क्या बोल रहा है? If two angles of the triangle are unequal, मतलब triangle के दो angle जब unequal होते हैं तो जो बड़ा angle है ना has a longer side opposite to it. उसके सामने की जो side है वो बड़ी होगी. हम एक फिगर बना लेते हैं वापस से. मेक द फिगर अगेन नाउ. ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी आपको पता है. तो गिवन आपको अभी क्या है, आपको दिया हुआ है कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी के सामने ना, दोनों के कंपैरिजन में. आपको प्रूव करना है कि एंगल बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए सी. एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी. तो प्रूव करना है कि ए सी ए बी से बड़ा हो. चलिए गिव अ ट्राई, कैसे करेंगे इसको.
सर ये तो फर्स्ट वाले जैसा ही हो गया ना सर। क्या हो गया सर उसमें? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तनिष सब समझ आ रहा है? तनिष यस सर। ये सारे सर मैं नेट चलाया था, आपने कुछ बोला फिर? नहीं नहीं हम वेट ही कर रहे हैं, तुम बता रहे थे कुछ। हाँ सर ये तो फर्स्ट वाले जैसा ही हो गया ना सर, उसमें लॉन्डर साइड के अपोजिट लॉन्डर एंगल होता है, इसमें लॉन्डर एंगल के अपोजिट लॉन्डर साइड होती है। उसको ही कॉन्वर्स बोलते हैं। इसको हाँ सर कॉन्वर्स तो वही बोलते वाना, बस वर्ड्स अलग हुआ। हैं। अरे भाई कॉन्वर्स को भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, वही का क्या मतलब है? प्रूफ कैसे करेंगे आपसे वो पूछा जा रहा है, ट्रांसलेशन करके थोड़ी देने को बोल रहा हूँ। आपको प्रूफ करना है कि इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना? कुछ मैथमेटिकल जवाब है आपके पास तो उसका हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। ठीक है दीप कोई बात नहीं, है ना? तो कैसे इसको करने वाले हैं ध्यान से देखो। देखो या तो इसने क्या बोला है कि एंगल बी सी से बड़ा है, तो ए सी ए बी से बड़ा होना चाहिए आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, वी कॉन्ट्राडिक्ट, हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि लेट्स से ए सी इज नॉट ग्रेटर देन ए बी, मान के चलते हैं कि ए सी ए बी के बड़ा नहीं, ए सी ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है केस वन, या ए सी ए बी के बराबर हो जाए। केस टू, ए सी ए बी से छोटा हो जाए, सही है? दो चीज हो सकती है, या ए सी ए बी के बराबर हो जाए। ओके अब अगर ए सी ए बी के बराबर है तो एंगल बी को एंगल सी के बराबर होना पड़ेगा, विच इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू क्यों? क्वेश्चन में दिया है बी सी से बड़ा है। नेक्स्ट अगर ए सी ए बी से छोटा है, ए सी ए बी से छोटा है, तो बाय थियोरम वन हम क्या बोल सकते हैं, जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है। तो बाय थियोरम वन वी कैन से दैट एंगल बी जो है ए बी के सामने, ए सी के सामने एंगल बी है वो छोटा होगा एंगल सी से, विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इज इट क्लियर? हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन से शुरू किया। हमें बोला गया कि आप प्रूफ करिए ए सी ए बी से बड़ा है, तो हम बोलते हैं चलो ए सी ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो हमने बता दिया कि अगर ए सी ए बी से बड़ा है नहीं है, तो या तो ए सी ए बी के बराबर है या ए सी ए बी से छोटा है। तो अगर ए सी ए बी के बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, उसके सिर में बी सी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर ए सी ए बी से छोटा हो जाता है तो थ्योरम वन हमारा ये बोलता है कि ए सी के सामने वाला जो एंगल है बी, वो एंगल सी से छोटा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो उल्टा दिया है, बी सी से बड़ा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज नॉट लेस देन ए बी, ठीक है ना? ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज नॉट लेस देन ए बी, देयरफॉर व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद अस इज देयरफॉर ए सी हैज टू बी ग्रेटर देन ए बी, हेंस प्रूफ। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है सर? ये सारे सर सर मैंने आज नेट मैं बहना वीडियो ऑन किया तो सर आपकी वॉइस लैग कर रही है, तो फिर सर आज वीडियो ऑफ कर दूं? कोई बात नहीं बेटा, वीडियो ऑफ, ठीक है ना? जिस जिसको नेट का इशू है मुझे मैसेज कर दो और आप फिर रख सकते हो। इज इट क्लियर? चलो लेट्स टेक थर्ड थ्योरम, तीसरे थ्योरम पे आ जाते हैं, आ जाओ। ठीक है ना, तीसरा थ्योरम क्या बोलता है, sum of any two sides, लिखो sum of any two sides of the triangle, sum of any two sides of the triangle is greater than the third side, ठीक है? क्या बोल सकते हैं हम, sum of two sides of the triangle is greater than the third side, ठीक है कृतिक?
देव को सब समझ आ रहा है? देव ओके। आयुष को सब पता चल रहा है? आयुष यस सर। असद को सब पता चल रहा है? असद सर। सर इसमें गिवन क्या है? सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हर ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो। मतलब अगर मैं एक जनरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, लेट मी मेक अ जनरल ट्रायंगल फॉर यू। जनरल ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। एक जनरल ट्रायंगल है ए बी सी। सो व्हाट आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी सम ऑफ टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी फॉर एनी ट्रायंगल। ओके तनिष को सब पता चल रहा है? तनिष यस सर। हाँ प्रतीक सर, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बीसी प्लस एसी शुड बी ग्रेटर देन एबी, वो भी बोल सकते हैं। सब कुछ ही बोलना है आपको, आपको सब कुछ ही बोलना है। क्या बोलना है आपको? एबी प्लस एसी बीसी से बड़ा होना चाहिए। दूसरा एसी प्लस बीसी एबी से बड़ा होना चाहिए। तीसरा आप ये भी बोल सको ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होना चाहिए। यस सर। यस बेटा। सर जो होमवर्क रहा ट्रायंगल्स है उसमें कैसे पता चला कि हमने राइट कंसेप्ट ले रहा है कि नहीं? जैसे आंसर आ गया पर सर राइट कंसेप्ट ले रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? जब हम डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा ना। तो सर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या? यस, आधे ज्यादा क्वेश्चन तो क्लास में ही मैंने करवाए थे। हाँ सर, जो क्लास में करवाए वो डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। दिया को सब समझ आ रहा है? दिया यस सर। सलमान सब समझ आ रहा है? यस सर। अक्षय यस सर। सब समझ आ रहा है अक्षय? यस सर। ठीक श्रेया ठीक है? यस सर। स्कूल में मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ सर। प्रूफ प्रूफ से शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, मैंने क्या कर दिया ए बी वाली साइड को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया सी से एक लाइन बनाने के बाद। बट सर ये कंस्ट्रक्शन होगा कैसा? ये कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कि ए सी जो है वो इस पॉइंट ए डी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? तो लिख लो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन दैट आई हैव डन? आई हैव कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्ट AD equal to AC by extending AB, by extending AB to a point D and join CD। आपको करना क्या है? A को extend करना है point D तक, C से D को join करना है, और ये extension इस तरीके से करना है कि AD AC के बराबर होना चाहिए। अब AD AC के बराबर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो आप बोल सकते हो बिल्कुल प्यार से ये एंगल x हो जाएगा, ये वाला एंगल भी x हो जाएगा,
यस बोल सकते हैं ओके तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं अगर ये वाला एंगल वाई है मेरे लिए ठीक है ना ये वाला एंगल वाई है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो नेट एंगल है ये जो नेट एंगल है वो नेट एंगल x प्लस वाई हो जाएगा और सामने वाला एंगल तो सिर्फ x है यस सो व्हाट आई एम सेइंग इज आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ AD इक्वल टू AC आई कैन से दैट एंगल ऑफ ADC वाज इक्वल टू एंगल ऑफ ACD ओके लेट एंगल ACB बी इक्वल टू एंगल ऑफ y एंड दिस वाज एक्चुअली एंगल x नाउ इफ आई लुक इन ट्रायंगल A इन ट्रायंगल BCD अब मैंने क्या करा BCD ट्रायंगल देखा तो BCD ट्रायंगल में मुझे ये पता चला कि एंगल ऑफ BDC जो है वो एंगल x के बराबर है और एंगल ऑफ DCB एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ y है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि DCB बड़ा है BDC से therefore I can say angle of DCB is definitely greater than angle of BDC DCB जो है वो BDC से बड़ा है अब BDC के सामने कौन सा साइड है ये वाला साइड है देखो BDC जो है उसके सामने कौन सा साइड है BC साइड है और DBC के सामने कौन सा साइड है D, B और C. If you observe DBC, this is DBC. दिख रहा है? ये एक D point है, B point है और C है. तो DBC जो angle है, sorry, DCB बोला है. DCB ये है. दिख रहा है ना X plus Y. तो DCB के सामने वाली साइड तो ये वाली साइड है. So I can say this is nothing but BD. अब BD को मैं लिख सकता हूँ AB plus AD, which is greater than BC. अब AD जो है वो actually AC के बराबर construction किया हुआ है. तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा इसको नोट कर लें आप टेंस प्रूफ अब यही ब्लेम गेम आपको दूसरी साइड्स पे करना है और वो भी आप प्रूव कर सकते हो ठीक है तो इसको नोट कर लो काफी अच्छे से पूरा मैं एक साथ लिख देता हूँ आपके लिए ठीक है ना इसको सर एच एंड ए बी को नहीं करना है बी ए को करना है ना सर अगर ए बी को एच एंड करना होता तो नीचे जाती ना लाइन ऐसा कुछ नहीं ए बी एक लाइन सेगमेंट है दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है तो सर ऐसा लिखो तो कैसे किस साइड एक्सटेंड करने का आप कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है ना आपको पता चल गया हमें ए को ऊपर एक्सटेंड करा है ठीक है ना तो आप लिख दोगे कि ए बी को मैंने एक्सटेंड किया है या बी ए लिखना है तो बी ए भी लिख सकते हो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं ठीक है ना हाँ सर ओके फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं फटाफट इसको लिखो एक बार वापस समझा दो देखो हमने क्या किया इसमें हमने AD का कंस्ट्रक्शन किया AC के बराबर और CD को जॉइन कर लिया तो हुआ क्या जब दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स बराबर हो गए तो ये एंगल x था तो ये वाला एंगल भी x हो गया ठीक है फिर हमने क्या बोला लेट्स से दिस एंगल इज y फॉर मी एक एंगल मैंने y नाम दे दिया अब हुआ क्या एक एंगल x नाम दिया है एक एंगल y नाम दिया है अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो पूरा जो एंगल c है ये किसके बराबर है एंगल x प्लस y है तो वही लिखा है हमने एंगल DCB जो है वो x प्लस y है फिर दूसरा हमने ये चीज़ बोला कि जो एंगल BDC है BDC वो तो एंगल कितना है एंगल x के बराबर है ये तो है ना एंगल BDC किसके बराबर है एंगल x के बराबर है और एंगल DBC हमारा किसके बराबर है x प्लस y के बराबर है तो ये भाई पूरा x प्लस y के बराबर है तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो DCB है वो BDC से बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी ठीक है ना x प्लस वाई x से बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी तो x प्लस वाई एंगल के सामने साइड कौन सी है ये वाली बड़ी साइड है BD और एंगल x के सामने वाली साइड कौन सी है ये वाली ठीक है ना दैट इज BC और अब BD को मैं क्या लिख सकता हूँ BD एक्चुअली लिखा जा सकता है इट्स अ पार्ट विच इज नथिंग बट BD किसका पार्ट है एक AB साइड हो जाएगी ये एक टुकड़ा हो जाएगा और एक ए डी पार्ट हो जाएगा तो एक टुकड़ा ये हो जाएगा ठीक है ना तो एक ए बी और ए डी लिखा गया अब ए डी का कंस्ट्रक्शन ए सी के बराबर तो हमने किया ही था तो ए डी को ए सी से रिप्लेस कर दिया तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी प्रूफ हो गया इज इट क्लियर यस यस सर चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं एक और थ्योरम है लेट्स से द फोर्थ वन
प्रूव दैट सर ये थ्योरम सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं भी प्रूफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार लगा पूछता भी हो ठीक है पूछ भी सकते हैं प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड चलिए इसको कैसे करेंगे गिव अ ट्राई सर इनइक्वालिटीज में से प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे हाँ ट्राइंगल्स में से हम एक्सपेक्ट प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं ठीक है ना ट्राइंगल्स में से ज्यादातर क्वेश्चन हम प्रूफ दैट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर ट्राइंगल से कब तक मार्क्स आएंगे ट्राइंगल्स के मार्क्स प्रॉब्ली ये वीक में मिल जाएंगे आर्ची सब समझ आ रहा है आर्ची यस सर प्रशम को सब पता चल रहा है प्रशम नेम सब आशिका नहीं दिख रही आशिका कहाँ है चलिए लेट्स सी कैसे इसको प्रूव करेंगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर वो थर्ड में जैसे किया वैसे सिर्फ एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है ना बिल्कुल है ना थर्ड वाले में आपने अभी प्रूव किया एक ट्रायंगल एबीसी में हम क्या बोल सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी वी कैन से दैट सम ऑफ टू साइड्स दैट इज एबी प्लस बीसी इज ग्रेटर देन एसी तो अगर मैं बीसी को यहां ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा एसी माइनस बीसी वुड बी लेस देन एबी हो जाएगा I can say difference of two sides is less than the third side. Note कर लो इसको, ठीक है ना? Therefore we can easily prove it. Hence prove लिख दो आप. Similarly you can use all two other results and prove the same for them. Yes? लिख लो यहाँ पे difference of two sides is always less than the third side. Okay? ठीक है? Yes sir. चलिए लेट्स टेक अ क्वेश्चन नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी इन द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस प्रूव दैट फर्स्ट स्टेटमेंट दैट यू हैव टू प्रूव इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस आर एस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एक सेकेंड ये होना चाहिए पी क्यू क्यू आर RS or SP, RS and SP. It is greater than PR plus QS. कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सर सर मैं चीज बताऊं एक चीज क्या होता है प्रूव करना आ गया कि नहीं तुम हाँ सर शायद आ गया शायद नहीं तुम पहले लिख लो अपनी किताब में सोचो मत सिर्फ लिख लो पहले तुम ठीक है ना लिख लो फिर मैं जब बताऊंगा तब तुम देखना तुमने ये लिखा या कुछ अलग लिखा है तो बताना ठीक है ना हाँ सर पहले बुक में लिख लो अपनी
सर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है कि है ना मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड होती है उनका सम हाइपोटेन्यूस से बड़ा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में सर जो बेस और परपेंडिकुलर होता है हम दोनों का सम हाइपोटेन्यूस से बड़ा होता है, होगा ही ना? सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन थर्ड, तो वो तो हाइपोटेन्यूस के लिए भी वैलिड है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ सर, लेट्स सी, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ मैं, फोर साइडेड फिगर। पी क्यू आर एस पी आर और क्यू एस है, ठीक है ना? ये पी आर और क्यू एस है। This is PQRS for you. Now, if I look at the triangle PQR, triangle PQR, मैं easily बोल सकता हूँ PQ plus QR, sum of two sides is always greater than third PR. Similarly, अगर मैं नीचे वाले triangle की बात करता हूँ तो PRS की बात करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ PS plus SR is obviously greater than PR. एक चीज हम ये बोल सकते हैं, yes? Yes or no? ठीक है, ये दो चीजें आपने बोल दी। नेक्स्ट, ये तो पीआर के रिलेशन में आपने चीज बोली। नेक्स्ट क्या बोल सकते हो? अगर मैं इस ट्रायंगल को एनालिसिस करूं, मैं इफ आई डू द एनालिसिस फ्रॉम हियर, सो ट्रायंगल पीक्यूएस में मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं पीक्यू प्लस पीएस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्यूएस। और अब नीचे वाले पे जब मैं यही ब्लेम गेम डालूंगा तब मैं क्या बोल सकता हूं? सो इन ट्रायंगल आरक्यूएस मैं बोल देता हूँ QR plus SR is greater than QS। अब इस रिजल्ट को ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो ऐड करने से क्या होगा? PQ दो बार आ जाएगा, PS दो बार आ जाएगा, QR दो बार आ जाएगा, और एक QR दो बार आ गया और SR भी दो बार आ जाएगा। आई थिंक सो सब कवर हो गया। इज ग्रेटर देन क्यू एस दो बार आ जाएगा और पी आर दो बार आ जाएगा, तब टू से टू कैंसल आउट हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू प्लस पी एस प्लस क्यू आर प्लस एस आर इज ग्रेटर देन क्यू एस प्लस पी आर। इज इट क्लियर? आई थिंक सो सबको क्लियर है, नोट कर लो इसको आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर मैंने भी ऐसे ही किया था। सर थोड़ा ऊपर करो, चलिए शुड वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। देखो इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस एस पी विच इज लेस देन टू टाइम्स ऑफ पी आर प्लस क्यू एस। सर हो गया, हो गया। हाँ सर, ओके। अरे सर नेक्स्ट क्लास का नोटेशन ऑन कर देना।
कौन बताएगा कैसे करेंगे इसे? आर्यन से जान लेते हैं, आर्यन कैसे करेंगे बताओ? लेट्स टेक दिस फिगर नाउ आर्यन। अरे सर देखो सर, टोटल में चार साइड है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चार साइड्स हैं। हाँ, और सर दो डायगोनल्स है PR और QS। ओके हाँ, तो फिर सर चार डायगोनल्स हो जाएं क्योंकि टू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर। ओके हाँ, तो सर अपन ऐसा कह सकते ना कि सर है ना क्या बोलते हैं, डायगोनल्स ऑलवेज बड़े ही होते हैं, तो फिर मींस बड़ा हो रहा सम। तो मैं तुमको बोला तुम लिख लो पहले, तुमको भी पता चले तुमने क्या लिखा। हाँ सर मैंने ऐसा लिखा सर। नहीं 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 गलत है ना, गलत होगा ना। अब देखो कैसे करेंगे, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज ओ, इस पॉइंट को हम ओ मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाली जो दो साइड्स है, छोटा वाला ट्राइंगल देखो, मैं बोल सकता हूँ ओपी प्लस ओक्यू, वो बड़ा हो जाएगा पीक्यू से। नेक्स्ट इधर साइड वाले छोटे ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, तो ओक्यू प्लस ओआर बड़ा हो जाएगा क्यूआर से। डायगोनल हमेशा बड़े होते हैं, ऐसा किसी ने बोला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, OS plus OR is greater than SR. Next, इस छोटे वाले ट्राइंगल को जब ऑब्जर्व करेंगे तो OP plus OS is greater than PS. सबको ऐड कर दो आप, OP और OR मिलके क्या बन जाएगा, PR बन जाएगा। फिर OP और OR मिलके PR बन जाएगा, तो 2 times PR हो जाएगा। Next, OQ OS से मिलेगा जब, तो SQ बन जाएगा, और वापस OQ OS से मिलेगा तो 2 times SQ बन जाएगा। This is greater than PQ plus QR plus SR plus PS, ठीक है। जो तुमको एक्चुअली आर्यन प्रूफ करना है, तुम उसी को कंसिडर कर रहे हो कि डायगनल बड़ा होता है, तो प्रूफ करना है बेटा डायगनल बड़ा होता है, ठीक है ना। हाँ सर। PR plus SQ taken twice is greater than PQ plus QR plus SR plus PS. Is it clear? So note कर लो, आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।